हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये जो डिस्कशन है उत्तर प्रदेश से संबंधित ही रहेगा केवल, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है लोकेशन के बारे में, उत्तर प्रदेश के लोकेशन के बारे में, अवस्थिति के बारे में। तो देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। सेकेंड है, प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं। पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विंध्य श्रेणियां, और पूर्व में क्या है, गंडक नदी। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा किस युग में हुआ है, ये हुआ है प्री क्रैम्बियन युग में। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, गोंडवाना लैंड और प्री क्रैम्बियन युग। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 7 डिग्री और 33 मिनट। देखिए, ये जो एक डैश लगा होता है इसको हम लोग मिनट कहते हैं, अगर दो लग जाते हैं तो इसको हम लोग सेकंड कहते हैं। बात कर रहे हैं हम इसकी 33 मिनट की। और उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई हैं। 9 राज्य हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। तो ये है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। और केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश है वो जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से टच करती है, स्पर्श करती है, वो है दिल्ली। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं। अगला है फैक्ट है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा पर बिहार एवं झारखंड से लगी हुई है। देखिए, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो बात की जाए पूर्वी सीमा पर, तो पूर्वी पे कौन है, बिहार और झारखंड, यानी कि ईस्ट में है बिहार और झारखंड। और उत्तरी सीमा पर अभी बताया मैंने नेपाल के अतिरिक्त, ये तो नेपाल हो गई दूसरी कंट्री। और भारत के कौन राज्य लगते हैं, ये हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएँ अगर वेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर है हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं पर कौन कौन है, मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ इसको स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा कहां से लगती है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा जो स्पर्श करती है वो राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, ये है मध्य प्रदेश। देखिए, सर्वाधिक जिलों को भी टच करता है मध्य प्रदेश, और सबसे लंबी सीमा भी किसकी है, मध्य प्रदेश की ही है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने एक अलग पेज में इंक्लूड किया है। क्या है ये, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, ये है सोनभद्र। और यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार को स्पर्श करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है उत्तर प्रदेश से संबंधित, सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ललितपुर। और मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा जिला कौन सा है, ये भी है ललितपुर। और सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, जिला की बात हो रही है यहाँ पर, तो यह है बदायूं। और कितने जिले को टच करता है, 9 जिलों को। और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है, अदर कंट्री की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश केवल नेपाल से ही अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 240,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% के बराबर है। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रख लीजिए, कई बार पूछा गया है 7.33। भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का कितना परसेंट है जो कि भारत से शेयर करता है, वो है 7.33%, यानी कि लगभग 7.5%। देखिए, बहुत शॉर्ट में था, ये पार्ट वन है, और इससे रिलेटेड वीडियो डेली चैनल पे अपलोड होंगे। वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा।
और क्योंकि जीके उत्तर प्रदेश की जीके से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। और इससे संबंधित छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में बनेंगे वीडियो, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।